राम राम जी सबने। और ये देखो कड़ी पत्ता या मीठा नीम जिसको कहते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि हम मतलब इधर नॉर्थ इंडिया वाले ये सोचते हैं कि साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा उपयोग है क्योंकि वो इडली सांभर वगैरह खाते हैं, लेकिन अगर हम भी नॉर्मल सब्जियों में इसका उपयोग करते हैं, दाल में भी आप इसको डाल सकते हो तड़के में, तो ये बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज शुगर वाले पेशेंट हैं वो इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, और वैसे भी कोई खाना चाहे तो कच्चे खाएं तो भी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं ये। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी अगर आप, मैंने पहले भी बना के भी दिखाई आपको, इसकी अगर चाय बना के पियोगे ना, यानी ये फूल लो और गर्म पानी में डाल दो थोड़ा गर्म पानी करके, तो ब्लू टी बन जाती है और वो बहुत ही अच्छी होती है और सेहतमंद होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, नींद के लिए भी अच्छी रहती है। तो इसका आप इस तरीके से भी सेवन कर सकते हैं। ये देखो आप फूल अपराजिता का, कितना प्यारा कितना सुंदर फूल है ये। नमस्कार जी सभी को। हम ये देखो ये है मोरिंगा, या जिसको हम कहते हैं सहजन का पेड़। तो इसमें देखो फ्रूटिंग शुरू हो गई है, फलियां आनी शुरू हो गई है, और यही वो फलियां हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं इसको, जो हम सांभर में खाते हैं, सांभर में डालते हैं इनको, और वैसे भी आप इसकी सब्जी बना के खाओ, ये बहुत ही ताकतवर है, कैल्शियम से भरपूर रहती है, और गठिया बा है ना, जिनको गठिया बा की दिक्कत है वो भी अगर इनकी सब्जियों को खाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखो अपने आसपास बहुत अच्छी अच्छी सेहतमंद चीज़ें होती हैं, हमें उनका सेवन करना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ उठाने चाहिए।